नमस्कार दोस्तों, बड़ी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम इस पे बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे का कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, तो कुछ बच्चों को CSE मिला होगा किसी अच्छे कॉलेज में, किसी को अच्छे कॉलेज में CSE नहीं मिला होगा। तो बहुत सारा बैक टू बैक मुझे मैसेज आता है कि भैया CSE मिला है इस कॉलेज में, क्या लेना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल ले ले किसी अच्छे कॉलेज में। तो मैं CSE के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जानी है, IT सेक्टर में जाना है, तो तुम ECE, CSE, EEE, EEE भी है, मैकेनिकल भी है, बाकी सभी ब्रांच आ सकते हैं, बट दो ब्रांच अगर ECE है या CSE है बिहार के किसी भी कॉलेज में तुम्हें मिला है, तुम आराम से जाओ। अगर तुम्हारा टारगेट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है, कोई मैटर नहीं करता है कि तुम किस कॉलेज से, कि कोई नहीं जानता है। बाहर जब निकलोगे तो किसी को नहीं पता चलता है कि तुम भागलपुर से आए हो कि MIT से आए हो, या फिर तुम किसी नए कॉलेज सुपौल इंजीनियरिंग से आए हो, सहरसा इंजीनियरिंग से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस तुम्हारा BTech डिग्री होना चाहिए और तुम्हारी कोडिंग स्किल एक स्टैंडर्ड स्किल होनी चाहिए। अगर तुम बिहार के किसी सबसे नए कॉलेज जो कि इस पिछले साल खुली है, उसमें भी तुम CSE से एडमिशन मिल रहा है, तुम्हें तो तुम्हें लेना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट जो प्लेसमेंट होता है, जितने भी तुम्हें प्लेसमेंट दिख रहे होंगे, या तो तुम्हें भी भागलपुर कॉलेज का प्लेसमेंट लिस्ट दिखेगा, या फिर तुम्हें MIT का प्लेसमेंट लिस्ट दिखेगा, या फिर गया, दरभंगा, जिसका भी तुम्हें प्लेसमेंट लिस्ट दिखेगा, ये इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, ये सारी चीज़ें, कंपनी कोई नहीं आती है, ठीक ना, कंपनी इन कैंपस कोई नहीं आती है। ये जितने भी बच्चे ने सिलेक्शन लिया है, सभी ऑनलाइन ही लिया है, सबने उसके पोर्टल पे जाके अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, LinkedIn के थ्रू गया, Naukri.com के थ्रू गया, मल्टीपल चैनल के थ्रू हमने नौकरी लिया। कॉलेज उसको पोस्ट करती है कि हाँ है, ये बच्चे इंफोसिस, कैपजेमिनी, विप्रो, HCL, इन सब जैसे तमाम कंपनियों में है, ठीक है। तो इस चीज़ से क्लैरिटी क्या मिलती है, कॉलेज मैटर नहीं करता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो कॉलेज मैटर नहीं करती है, एकदम नहीं करती है, आपके पास स्किल होनी चाहिए। बाकी अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं, तब भी कॉलेज मैटर नहीं करता है। कॉलेज की पढ़ाई से गेट कभी नहीं निकल सकता है। अगर आपके पास एक स्टम्प पेपर है तो मुझे सेंड करना, मैं उस स्टम्प पेपर पर लिख के साइन करके और कोर्ट का मोहर लगा के भेज दूंगा कि कॉलेज की पढ़ाई से गेट एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर आपको गेट एग्जाम निकालनी है तो आपको खुद से पढ़ाई करनी है, कॉलेज की पढ़ाई से प्लेसमेंट नहीं होगा। प्लेसमेंट लेना है आपको खुद ही लेना पड़ेगा। कॉलेज सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करेगी, एक इनर एटीट्यूड डेवलप करेगा। अगर आप MIT में पढ़ोगे तो वो जो आपका वो परे बनेगा, मतलब आपका जो सर्कल बनेगा, उस सर्कल से आपके अंदर एक एटीट्यूड आएगा। अगर आप भागलपुर से पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक अलग एटीट्यूड आएगा। तो ये जो top 5 कॉलेज है, इससे पढ़ने का यही फायदा होता है कि आपके अंदर एक एटीट्यूड बिल्ड होता है। कॉलेज बस इतना ही काम करती, जॉब आपको कॉलेज नहीं दिलाएगी, प्लेसमेंट आपको जॉब कॉलेज नहीं दिलाएगी, आपको इवन गेट में अच्छा रैंक कॉलेज नहीं दिलाएगी। ओके गाइस, सो विश यू वेरी हैप्पी। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिले हैं तो गो अहेड, आराम से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम किस कॉलेज में हो। बस अगर आप IT सेक्टर में जाना चाहते हो तो कोडिंग में एंट्री करना, जाने के साथ ही, चाहे किसी भी ब्रांच में हो, मैकेनिकल, सिविल, IT, कोई भी ब्रांच हो, फर्क नहीं पड़ता है, कोडिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके लिए कई सारे YouTube चैनल हैं, मेरे से पूछ लेना, Instagram पे, LinkedIn पे, जहाँ पे भी पूछना है। और LinkedIn बनाना, बहुत बच्चे का क्वेरी आता है कि भैया जॉब मिलती कैसे है, LinkedIn से मिलती है। LinkedIn आने वाले दिन में 3-4 साल के बाद एक जॉब प्लेटफॉर्म हो जाएगा और बहुत कुछ LinkedIn से मिलता है। तुम्हें LinkedIn का पावर नहीं पता है, अभी पता चल जाएगा। Instagram तो सब चलाते हो, लेकिन LinkedIn चलाओ, मुझे रिक्वेस्ट भेजो LinkedIn पे, ठीक ना। ओके, सो विश यू वेरी हैप्पी जर्नी, आगे बढ़ो, गो अहेड, थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे, बाय बाय।